फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का जो सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है द थीफ्स स्टोरी, जो हमारे इंडिया के फेमस जो ऑथर हैं और पोइट हैं, उनके द्वारा इसे लिखा गया है। ये उनकी फेमस शॉर्ट स्टोरीज में से एक है। तो पहले हम जो हमारे इस स्टोरी के फेमस राइटर हैं, जिनका नाम है रस्किन बॉन्ड, उनके विषय में जान लेते हैं, और उसके बाद हम जो इनकी जो स्टोरी है इसके विषय में डिस्कस करेंगे। तो ये इंडिया के ही बहुत ही फेमस ऑथर हैं और बहुत फेमस पोइट भी हैं। इनका जो बॉर्न हुआ था वो मई 1934 में हुआ था, और इनके जो फादर थे वो रॉयल एयरफोर्स में जॉब करते थे, और उनकी जो डेथ थी इनकी बर्थ के 10 इयर्स बाद ही हो गई थी, अर्थात 1944 में इनकी डेथ हो गई थी। और ये इसके बाद, जैसे इनकी फादर की डेथ हुई, उसके बाद ही ये अपनी जो इनकी ग्रैंड मदर थी, उन ग्रैंड मदर जो देहरादून में रहती थी, उनके पास ये रहने के लिए चले गए, वहीं पर रहने लगे। इन्होंने अपने जीवन के 4 वर्ष, अर्थात 4 इयर्स, इन्होंने लंदन में भी स्पेंड किए थे, और वहीं पर इन्होंने लंदन में ही अपना जो फर्स्ट नॉवेल था, जिसका नाम था द रूम ऑन द रूफ, फर्स्ट इनका नोवेल था, इन्होंने वहीं पे स्टार्ट किया था। और इतने फेमस थे कि इन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड 1992 में दिया गया था, और द पद्मा भूषण अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया था इन 2014 में, और ये आज भी हैं, और 19 मई को ये 86 ईयर्स ओल्ड हो जाएंगे, अर्थात अभी 85 ईयर्स ओल्ड हैं। और ये 1964 से इनका जो रेजिडेंस है वो मसूरी में है। ठीक है दोस्तों, तो हमने हमारे जो पोइट हैं, जो इंडियन पोइट हैं और इंडियन ऑथर हैं, जो जो मोस्टली जो फेमस हैं वो हैं हमारे शॉर्ट स्टोरीज के लिए। तो उन्हीं शॉर्ट स्टोरीज में से इनकी एक शॉर्ट स्टोरी है, जिसका नाम है द थीफ्स स्टोरी। ठीक है, और इसके बाद हम चैप्टर के विषय में जानते हैं। जो चैप्टर है हमारा द थीफ्स स्टोरी, इसके कैरेक्टर्स के विषय में बात कर लेते हैं। जैसा कि आपने पहले, हमने जो चैप्टर्स एक्सप्लेन किए हैं उनमें भी सबसे पहले हमने कैरेक्टर्स की बात की है, तो इसमें कैरेक्टर्स ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उन्हें हम बता देते हैं कि कौन कौन कैरेक्टर्स हैं। जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसका नाम है अनिल, जो इसका मेन कैरेक्टर है, यही एक मेन कैरेक्टर है इस कहानी का। और जो दूसरा कैरेक्टर है वो हमारा नैरेटर है, जो इस कहानी को हमें सुनाता है, अर्थात इस चैप्टर में सारी बात बताता है, और उसने अपना नाम रखा है हरि सिंह। ये इसका फेक नेम है हरि सिंह, क्योंकि रियल नाम तो इसमें है ही नहीं, अर्थात बताया नहीं गया है। और जो नैरेटर है वो ये बताता है कि मैं हर महीने, अर्थात एवरी मंथ में अपना जो नेम है उसे मैं चेंज कर लेता था। क्यों चेंज कर लेता था, क्या प्रॉब्लम थी, उसे हम आगे कहानी में डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारी स्टोरी है ये बेस्ड है एक ऐसे इंसान पर, जो कि एक अच्छा इंसान है, और अच्छा उसकी अच्छाई की वजह से ही जो एक बुरा जो नैरेटर है इसमें, इसको बुरा अपने आप को इसने दर्शाया, नैरेटर ने इसमें अपने आप को बुरा दर्शाया है, अर्थात ये बताया है कि मैं एक चोरी करता था, तो उसकी अच्छाइयों के कारण, अनिल की अच्छाइयों के कारण ये अपने जो गलत ये काम करते थे, चोरी वगैरह करते थे, उसको भी छोड़ देते हैं। तो इस कहानी का मेन मोटिव यही है कि यदि किसी बुरी से बुरे इंसान को भी यदि सही से ट्रीट किया जाए, या उसके साथ भावुकता दिखाई जाए, या उसे पनिश ना किया जाए गलत कामों के लिए, बल्कि उसे अच्छे से ट्रीट किया जाए, शाबाशी दी जाए, या उसके जो अच्छे काम है उनको सराहा जाए, तो उसे सुधारा जा सकता है, उसमें इम्प्रूव किया जा सकता है, ऐसा इस कहानी में दिखाया गया है। ये कहानी जो शुरू होती है, ये कहानी शुरू होती है एक रेसलिंग मैच से, जो अनिल नाम जिसका है, जो अनिल नाम का हमारा कैरेक्टर है, वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था। इस समय नैरेटर की उम्र 15 ईयर्स है, और तो जो अनिल है इसकी 25 अबाउट है, 25 ईयर्स इसकी लगभग है। ये बताते हैं कि मैं उस समय भी एक चोर था, जब मैं 15 ईयर्स का था मैं उस समय भी चोर था,
और उस समय मैं काफी सफल चोर हो चुका था, काफी एक्सपीरियंस मुझे हो गया था, मैं काफी एक्सपीरियंस होल्डर था। तो इन्होंने अपने नेक्स्ट चोरी के लिए, अर्थात किसी को रॉब करने के लिए, ठगने के लिए अनिल को टारगेट बनाया। और ये अनिल के पास गए और वहां जो रेसलिंग मैच देख रहा था उससे कहने लगा नैरेटर कि आप भी एक पहलवान जैसे दिखते हो। और जो अनिल था उसने भी रिप्लाई में ये कह दिया कि तुम भी। अब मैं थोड़ा डर गया, ये कहने लगे मैं थोड़ा डर गया क्योंकि मैं बहुत दुबला पतला था और काफी कम एज थी, लेकिन दुबला पतला लीन तो अनिल भी था, लंबा था और दुबला पतला था, लेकिन जो नैरेटर है इसकी उम्र कम थी, इस वजह से ये पहलवान जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता था। तो ये थोड़ा डर गया कि शायद इसे शक हो गया है, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ मैं भी थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ, अर्थात थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। अब जो पहलवान थे जिन्होंने अपने बॉडी पर ऑयल मल रखा था और वो एक दूसरे को उठा उठा के पटक रहे थे, आवाजें कर रहे थे, तो उसके विषय में अनिल बात करने लगा। अब जो नैरेटर है कहने लगा कि मेरे पास ज्यादा बात करने के लिए कुछ था ही नहीं, तो मैं ज्यादा बात नहीं कर पाया और अनिल इस दौरान वो चल दिया। अब मैंने उसका चुपके से धीरे धीरे उसका पीछा किया और जैसे ही उसने मुड़ के देखा और कहने लगा अरे फिर से तुम, कहने लगा हाँ, और बहुत ही जैसे कि मोस्ट अपीलिंग स्माइल के साथ उसके सामने जो नैरेटर खड़ा हो गया और कहने लगा मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, मुझे अपने पास काम पे लगा लो। अब जब ये बात सुनी तो अनिल कहने लगा लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता क्योंकि मैं इतना नहीं कमाता कि तुम्हें पे करूं। अब ये सोचने लगा नैरेटर कि शायद मैंने किसी गलत आदमी को चुन लिया है। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद ही फिर कहने लगा अच्छा आप मुझे फीड करा सकते हो, अर्थात मुझे खाना खिला सकते हो। तो अनिल बोला कि यदि आप खाना बना सकते हो, यदि तुम कुक कर सकते हो, तो मैं तुम्हें फीड करा सकता हूँ, अर्थात मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। तुरंत ही इसने झूठ बोल दिया कि हाँ मैं खाना बनाना जानता हूँ। लेकिन उससे पहले जब ये मैच देख रहे थे उससे पहले अनिल ने इसका नाम पूछा था, तो इसने अपना नाम हरी सिंह बताया था, अर्थात झूठा नाम बताया था, फेक नाम बताया था। हर महीने ये अपना नाम चेंज करते थे, उसकी वजह ये थी क्योंकि इनका जो काम था वो था चोरी करना, अर्थात ये चोरी करते थे, तो इनका जो फेक नेम था ये इन्हें पुलिस से और जो इसके जो रॉब इसके द्वारा जो लूटे जा चुके थे लोग, रॉब हो चुके थे इसके द्वारा, तो उनसे इन्हें बचाने में काफी मदद करता था, इसलिए ये अपना नाम जो था हर मंथ चेंज कर लेता था। अनिल अपने साथ ले गया, जब अपने साथ ले गया तो एक जमुना स्वीट शॉप थी जिसका नाम था जमुना स्वीट शॉप, उसके ऊपर जो अनिल का रूम था। और ऊपर जैसे ही चढ़े और चढ़ने के बाद उससे कहने लगे हरी सिंह से कि तुम बालकोनी में सो जाओगे और मैं रूम में सो जाऊंगा। कहने लगे ठीक है। जो शाम का खाना था जो नैरेटर ने बनाया था शायद बहुत ही ज़्यादा बेकार बना होगा क्योंकि अनिल ने उस सारे खाने को एक स्ट्रे डॉग को डाल दिया, अर्थात एक आवारा कुत्ते को डाल दिया और कहने लगे कि तू निकल जा। अनिल ने कहा कि तू निकल यहाँ से जा, तुझ पे कोई खाना वाना बनाना नहीं आता है। तो वही अपनी उसी मोस्ट अपीलिंग स्माइल के साथ जो नैरेटर था उसके इधर उधर घूमने लगा, और जब वो डांट रहा था लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रहा था, इसको देखते हुए अनिल की हंसी छूट गई और उससे हंसी नहीं रुकी और अनिल ने उसके सर पर हाथ फेराया और कहने लगा कोई बात नहीं मैं सिखा दूंगा। और उसके बाद दोनों रहने लगे और अनिल ने उसे लिखना पढ़ना भी सिखाना शुरू कर दिया, उसका पहले नाम लिखना सिखाया, उसे काउंटिंग सिखाई और फिर बताया अनिल ने कि मैं तुम्हें जल्द ही जो सेंटेंस होते हैं और पूरे 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 सेंटेंस लिखने सिखा दूंगा और जो नंबर से इनके ऐड करने भी सिखा दूंगा। अब तो वो बड़ा खुश था क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसने सोचा मन में यदि मैं पढ़े लिखे लोगों की तरह बन जाऊं तो मेरी तो इनकम का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। मेरी हरी सिंह का काम ये था कि वो केवल उसके लिए चाय बनाता था और जो डेली यूज की जो चीज़ें थी मटेरियल्स थे उन्हें लाता था और जो पैसे अनिल उसे देता था उसमें से 1 रुपए के हिसाब से वो कटौती कर लेता था, अर्थात डेली 1 रुपए बचाता था। अब ये बात शायद अनिल को भी पता थी लेकिन ऐसा लगता था कि अनिल इस बात का बुरा नहीं मानता है, और उसके लिए चाय बनाना, उसके लिए जो खाना वो सिखा रहा था उस तरह के बनाना उसने वो सीखता जा रहा था और साथ में ये काम भी करता जा रहा था। अनिल कुछ ज़्यादा नहीं कमाता था,
ऐसा लगता था कि वो इरेगुलर कमाता है। अनिल की कोई रेगुलर इनकम नहीं थी, वो एक वीक में किसी से बोरो करता था तो नेक्स्ट वीक में लेंड कर देता था, नेक्स्ट वीक में चुका देता था। वो शायद किसी मैगजीन्स वगैरह के लिए लिखता था, और अर्थात वो कोई राइटर था जो कि बहुत अपने चेक को लेकर के टेंशन में रहता था। जब उसका चेक मिल जाता था तो वो अपने दोस्तों में चला जाता था और ऐश करता था, और कुछ ही दिन में पैसे ख़त्म करता था, और फिर से वही प्रक्रिया उसकी शुरू हो जाती थी। फिर उधार लेता था, फिर चेक का इंतज़ार करता था, चेक मिलते ही फिर वापस कर देता था। ये उसका जो जीवन जीने का तरीका बड़ा अजीब था। एक शाम अनिल ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स की लेकर के आया और कहने लगा मुझसे कि मैंने आज एक बुक को एक पब्लिशर को सोल्ड किया, एक बुक को बेचा है, तो इसलिए मुझे पैसे मिले। और उन्हें लेकर के वो अपने रूम में चला गया और खाना वाना खाने के बाद, लेकिन हरी सिंह ने उसे पैसों को रखते हुए देख लिया। उसने उन पैसों को अपनी मैट्रेस जो गद्दा होता उसके नीचे रख लिया। अब अनिल सोचने लगा, रात को जब वो सो रहा था बालकनी में, सोचने लगा उधर अनिल सो रहा था रूम में, कि मुझे पैसे तो देता ही नहीं है, पे नहीं करता है, कार सारे पैसों को ये खर्च कर देगा दो एक दो दिन में, उसके बाद फिर इसके पास कुछ नहीं रहना, ये मुझे पे भी नहीं करता है, और मुझे इस काम को करना चाहिए क्योंकि काफ़ी समय से मैंने ये काम किया ही नहीं है। अब उसने सोचते हुए अब वो रूम में धीरे से गया, अपने कंबल से निकल के रूम में गया और थोड़ी देर फर्श पर बैठ गया। उसके रूम में जो मून लाइट होती उसकी रेज आ रही थी जो कि अनिल के बेड पर पड़ रही थी। अब वो क्या देखता है, थोड़ा बैठ करके देखता है कि अनिल जग तो नहीं रहा है। अब उसने प्लान पहले ही बना लिया कि कैसे कैसे करना है। यदि वो अब इस चोरी को कर लेता है अर्थात उन पैसों को निकाल लेता है, तो वो 10:30 पे जो लखनऊ एक्सप्रेस जाती है लखनऊ के लिए, उसे वो पकड़ सकता था और यहाँ से भाग सकता था। और हरी सिंह सोचने लगा कि बहुत ही सिंपल है और साधारण है, और इसको लूटना इसलिए बहुत कठिन सा लग रहा है। जो लालची लोग होते हैं उसे लूटना बड़ा आसान होता है क्योंकि वो लूटना स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को तो कि वो लूट चुके हैं कभी कभी पता ही नहीं लगता और सारा मजा किरकिरा हो जाता है। और वो इतना भरोसा करता था हरी सिंह पर, जो अनिल था उसने की भी दे रखी थी उसे, वो कभी भी आ जा सकता था। अब उसने अपना जो हाथ था वो मैट्रेस के नीचे डाला और जो गड्ढी थी उसे देखने की कोशिश की और उसे मिल गई। लेकिन उधर ही साइड में अनिल ने जैसे ही करवट चेंज की उसकी तरफ तो वो डर गया, उसे लगा कि शायद अनिल जग गया है, लेकिन वो नींद में था। और उसने अपने हाथ को आराम धीरे धीरे से खींच लिया, और खींचने के बाद वहाँ से धीरे से वो रूम से निकला, और नीचे आते ही सड़क पर जैसे आया और सड़क पर आते ही उसने दौड़ लगानी शुरू कर दी, और कुछ दूर जाने के बाद फिर उसने नॉर्मल स्पीड कर दी और वो स्टेशन की तरफ गया। और स्टेशन पर वो टिकट लेने के लिए नहीं रुका, वो सीधा प्लेटफॉर्म पर चला गया, और सीधा प्लेटफॉर्म पर चला, और तभी जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो तभी चलनी शुरू हुई थी, अर्थात उसे स्पीड पकड़नी बाकी थी, वो किसी भी कंपार्टमेंट में एंटर कर सकता था, लेकिन वो सहम गया पता नहीं क्यों, और उधर साइड में ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली और वो रुक गया, पता नहीं क्यों रुक गया। जब ट्रेन निकल गई चली गई तो उसके बाद वो पूरे प्लेटफॉर्म पर अकेला था, सुनसान प्लेटफॉर्म था। अब ये सोचने लगा कि मैं जाऊँ कहाँ, अगर मैं किसी होटल में जाता हूँ तो सबको पता लग जाएगा कि इतनी रात पर कोई 15 साल का लड़का क्या क्या करने आया है, मतलब संशय पैदा नहीं करना चाहता था मैं किसी के किन्हीं के दिलों में। मेरा कोई दोस्त भी नहीं था, और जो भी थे तो मैंने अपने नाम चेंज कर रखे थे, सबको मैं ज़्यादा संपर्क नहीं रखता था क्योंकि दोस्त जो होते हैं वो हेल्प कम करते हैं और मुसीबत ज़्यादा देते हैं, इसलिए मैं किसी पर विश्वास नहीं करता था। और सबसे ज़्यादा जो विश्वसनीय इंसान था वही था जिसे मैंने लूट लिया था। अब ये सोच रहा था, वो सोचते सोचते वो मार्केट की तरफ चला गया और मार्केट में वॉकिंग करने लगा। मार्केट में सोचता जा रहा था और वो लास्ट में उसने पाया कि वो मार्केट से पार्क की तरफ चला गया, और वहाँ पार्क में एक बेंच पड़ी थी और बेंच पर वो बैठ गया। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो मैंने अभी थोड़ा सा स्किप कर दिया, उससे पहले उसने जब वो उसको लेके आया था नोटों को, तो उसने वो रास्ते में नोट काउंट किए थे। वो जो नोट थे वो 12 नोट थे, अर्थात वो 600 रुपीज़ थी।
तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो 1 या 2 वीक में एक रिच जो अरब तेल के जो व्यापारी होते हैं उनकी तरह जी सकता है, क्योंकि उधर साइड के लोग काफ़ी रिच होते हैं तो उनकी तरह वो जी सकता है, अर्थात 600 रुपीज थे। और जब वो वहाँ से भागा था उन्हें लेकर के, तो उसने अपना जो पजामा होता है उसकी स्ट्रिंग जो होती है जिसे हम नाड़ा बोलते हैं उसमें वो बांध लिया था, अर्थात उसमें लगा करके वहाँ से भागा था। अब वो पार्क में बैठा बैठा सोच रहा था और इतने ही बारिश पड़ने लगी, बड़ी सुहावनी हवा चल रही थी क्योंकि ये थोड़ा नवंबर का मंथ था, स्टार्टिंग थी नवंबर की, तो थोड़ी ठंड भी लग रही थी और जैसे बारिश पड़नी शुरू हुई तो उसकी मुसीबत को बारिश ने और ज़्यादा बढ़ा दिया। अब सीट पर ब्रेंच पर पार्क में बैठे हुए सोच रहा था कि जो वास्तव में जो इंसान होते हैं अपने जो चोरी का जो कैरियर था उसने इंसानों के चेहरों को रीड करना सीख लिया था। जो लालची जो लोग होते हैं वो भय दिखाते हैं, अर्थात जो अमीर लोग होते हैं वो गुस्सा करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं कि क्यों लूट लिया, बहुत गुस्सा होते हैं। लेकिन जो गरीब आदमी होता है वो स्वीकार कर लेता है कि मैं लूट चुका हूँ। और वो जानता था अनिल के चेहरे को कि उसके चेहरे पर जो भाव आएंगे वो केवल उदासी के भाव आएंगे, और उसके चेहरे पर इसलिए उदासी के भाव नहीं आएंगे कि लूट चुका है, बल्कि इसलिए आएंगे क्योंकि उसका फेथ किसी ने तोड़ दिया, उसका विश्वास किसी ने तोड़ दिया है। और क्योंकि बूंदाबांदी हो रही थी, बारिश तेज हो गई, उसकी जो शर्ट थी और जो पाजामा उसने पहन रखा था, ट्राउजर पहन रखा था, वो सारा भीग गया और उसकी मुसीबत और बढ़ती जा रही थी। एक हवा का झोंका आया जिसने कि रैन को, बारिश की बूंदों को उसके चेहरे पर फेंक दिया और वो भीग गया, उसे ठंड लगने लगी। वहाँ से वो फिर से पार्क से उठ कर के मार्केट की तरफ चल दिया कि उसे ठंड लग रही थी, भीग रहा था, वो घंटा घर में जा कर के बचने के लिए वहाँ पर बैठ गया और सोचने लगा कि मैं चोरी करने की जल्दबाजी में, चोरी करने की उत्सुकता में, इतनी ज़्यादा मुझे मतलब चोरी करने की उत्सुकता थी, ईगरनेस थी कि मैं ना तो वाक्य लिखना सीख पाया, ना ही अनिल के लिए खाना बना पाया। अब जो अनिल मुझे सिखा था नंबरों को ऐड करना, ना मैं उन्हें सीख पाया, ना मैं लिटरेट पर्सन बन पाया, अर्थात मैं पढ़ा लिखा नहीं बन पाया, ना मेरी इनकम बढ़ पाई, मैं चोर था, चोर ही रह गया। अर्थात वो बड़ा भावुक सा होकर के सारी बातें सोच रहा था। वास्तव में बड़ा आदमी बनने के लिए केवल चोरी कर लेना ही काफ़ी नहीं है, कि चोरी करने से कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता। बड़ा आदमी बनने के लिए, चालाक आदमी बनने के लिए, इज्जतदार आदमी बनने के लिए उसने फिर अब डिसाइड किया कि वही एक ऐसा इंसान है जो सीधा साधा भोला भाला है, जिसने मेरी हर तरह से मदद की, एक मुझे की भी दी, मुझे कुछ पैसे भी दे देता था, शायद कल भी वो मुझे 2-3 रुपये सिनेमा घर में जाने के लिए मुझे दे देता, जिससे मैं सिनेमा घर चला जाता। लेकिन अब तो सारा ही पैसा उसका मेरे पास है और मैं कितने दिन इन पैसों से जीऊँगा, फिर मेरी ये आदत होगी। उसने ये डिसाइड किया सारा कुछ सोच के कि मुझे वापस चलना चाहिए अनिल के पास। और वो वापस अनिल के पास आया, बड़े धीरे से उसने रूम को खोला और देखा कि अभी भी जो अनिल था वो सो रहा था, वो अभी भी उसके चेहरा जो था वो उस तरह ही था, उसका चेहरा बिल्कुल बेदाग था, उस पर कोई श्रिंकेज नहीं थी, अर्थात लाइनिंग नहीं थी, झुर्रियाँ नहीं थी, जबकि मेरे चेहरे पर कई निशान बने हुए थे लेकिन ये चोटों के निशान थे जो मैं चोरी करते वक्त मेरे बने थे, अर्थात मैं पकड़ा जाता था तो लोग पीट देते थे, उससे मेरे निशान बने हुए थे। अब चोरी तो मैंने कर ली थी, अनिल को पता नहीं लगा, लेकिन बिना पता लगे पैसों को वापस करना बड़ा मुश्किल काम था। बताता है नरेटर कि चोरी करना बड़ा आसान है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि पकड़ा जाना भी उतना ही आसान होता है। अब उसका काम था कि बिना अनिल को पता लगे उन पैसों को वापस वहीं रखना, वहीं मैट्रेस के नीचे रखना जहां से उसने निकाले थे। अब वो गया, धीरे धीरे गया। अब जैसे ही उसने मैट्रेस की तरफ हाथ बढ़ाया तो अनिल की जो सांसें थीं उसे अपने हाथ पर महसूस हुई, फील की उसने, और उसने धीरे से अपना हाथ को स्लिप कर दिया अंदर और बड़े धीरे धीरे निकल करके आया और बाहर आकर के वहीं पे जहाँ पर वो बालकनी में सोता था वहीं पर आ गया। शायद उसने कपड़े चेंज किए होंगे क्योंकि तो भीग गए थे और वो सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लेट उठा। अब लेट उठा क्योंकि वो जब आधी रात तक तो वहीं था घंटाघर में ही, मिडनाइट हो गई थी, उसके बाद वो चला था क्योंकि वो रात में काफ़ी जागा था और भीग भी गया था, तो वो सुबह मॉर्निंग में लेट जगा। अब जब वो जागा, जब वो उठा तो अनिल उसके लिए चाय बना चुका था, और जैसे उठा तो अनिल ने उसकी तरफ चाय
का इशारा किया, उसकी तरफ चाय का कप दिया और उसके जो फिंगर्स में 50 का नोट था। अब ये देख करके मैं डर गया कि शायद मेरी चोरी पकड़ी गई। लेकिन अनिल कहने लगा कि अब तुम्हें रेगुलर पैसे मिला करेंगे। अब ये सुन करके मैं खुश हो गया, लेकिन जो नोट उसने दिया था वो अभी भी भीग रहा था। तो ऐसा लगता था कि शायद अनिल ये जान गया है कि मैंने चोरी की थी। लेकिन ना तो अनिल की नज़रों ने और उसके होठों ने ये बयान किया और ना ही मैंने अपनी तरफ से बयान किया। और इसके साथ ही मेरी वही बड़ी आकर्षण मुस्कान जो कि मैं हर बार अनिल को दिखाता था, झूठ मूठ बना करके दिखाता था, वही मोस्ट अट्रैक्टिव जो मेरी स्माइल थी वो मेरे चेहरे पर आई। और अब की बार वो बनावटी नहीं थी, वो रियल में आई थी। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर है इसकी समरी ख़त्म होती है। और हमने बहुत ही कोशिश की है कि कोई पॉइंट छोटे नहीं, बड़ी बारीकी से बताने की कोशिश की है। और यदि आपको कोई सुझाव देना है, एडवाइस देनी है या कुछ और भी बताना है तो आप बता सकते हैं। और इस चैप्टर का जो भी बाकी मटेरियल है आप मुझे व्हाट्सएप पे बताएं, मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। दोस्तों, आपको यदि हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। और जो भी हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो स्टोरी पढ़ना पसंद करते हैं या फिर 10th क्लास में आए हैं या 10th क्लास में हैं या 10th क्लास कर चुके हैं, जिनका मन कर रहा है कि भाई हम दोबारा से देखें, वो भी देख सकते हैं।